चिकन करी के लिए हमें चाहिए आधा किलो चिकन, आधा छोटा चम्मच अदरक का पेस्ट, आधा छोटा चम्मच लहसुन का पेस्ट, आधा छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, एक छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, एक छोटा चम्मच धनिया पाउडर, आधा छोटा चम्मच जीरा पाउडर, नमक स्वाद अनुसार, आधा कप दही। अब सारे को अच्छे से मैरिनेट कर लेंगे। आधा नींबू का रस, अब इसे हम मैरिनेट कर एक घंटे के लिए रख देंगे। अब हम चिकन करी बनाएंगे। सबसे पहले हम तेल डालते हैं, एक तेज पत्ता, दालचीनी, बड़ी इलायची और छोटी इलायची। अब हम प्याज डालेंगे। प्याज अब हमारा फ्राई हो गया है। आधा छोटा चम्मच अदरक का पेस्ट, आधा छोटा चम्मच लहसुन का पेस्ट। अब हम मैरिनेटेड चिकन डाल देंगे। इसमें काजू और टमाटर का पेस्ट डालेंगे। आप चाहें तो अलग अलग भी डाल सकते हैं, काजू की और टमाटर की अलग। गरम मसाला, कसूरी मेथी, अब इसमें हम पानी डालेंगे। चिकन के पकने तक अब इसे ढक्कन लगाकर छोड़ देंगे। चिकन हमारा अब रेडी हो गया। अब हम इसमें धनिया पत्ती डाल देंगे।